सरगुजा जिले के हसदेव अरण्य जंगल में कोल माइनिंग के लिए 5000 पेड़ों की कटाई के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा अडानी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस कटाई के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता दीपक बैज ने भी प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। लीलावती सिंह पोर्ते हमन खदान नहीं चाहता ना, अदानी है खुदवावत है तो खतरे यहाँ का करत हूँ। उमन कुछ नहीं करत है, मतलब कि खदान खुलवाते हैं तो वो जब पर दिन पेड़ कटाई हुई तो हमन वो जाए रहे तो रोके बकरे तो डबल पुलिस फोर्स रहें और हमन कहें कागज दिखावा तो नहीं देखें तो हमला जबरई ढकेली हो जाए हमन रोके बकरे तो ते कुदाए लेन और मारे लेन पखना मन में और बम फेंके लागी। अच्छा। तो हमार मतलब कि संगता मन के ऊपर पड़ी बम है और पखनो पड़ी बहुत झेला चोट ऐसे 50-60 झेला। तो तुमन का चाहता? हमन खदान ला बंद करने चाहता। यहाँ खुला नहीं है? नहीं है खुलना, पूरा सरगुजा खदान है बंद होना चाहिए। पूरे टीम को मतलब इन लोग छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक ना, जो समिति जो संगठन बने से वाला ध्वस्त करना चाह रहे हैं। तो का ध्वस्त हो जब तो नहीं तो आइए, ठीक है, जमीन पे कैसे खुदाई करेंगे जब तक हमारी मांग हमारी फर्जी ग्राम सभा का जो जांच वो नहीं होती है तब तक हम, अगर आपके पक्ष में आती है तो हम मैदान छोड़ देंगे और हमारी पक्ष में आती है तो आपको हम छोड़ेंगे, बस यही है। भैया ये सतत लड़ाई आए थोड़े लड़े 10 साल बहुत जन कहीं 9 साल से ऊपर का हो गया, ऊपर का 2-3 साल का। आप लोग थोड़ा पीछे जाइए, बड़ा।